यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, फूलपुर से दीपक पटेल, करहल से अनुजेश यादव, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर और उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि मंझुआ से आपको बता दें सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है, खैर से सुरेंद्र दिलेल को टिकट दिया गया है, कठेरी से धर्मराज निषाद को मौका मिला है। तो ये वो 7 नाम जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। बहुत इंतजार हो रहा था यूपी के उपचुनाव, जो कि एक नाक की लड़ाई बन गया है, साख की लड़ाई बन गया है ये चुनाव, क्षेत्रीय दलों के लिए भी और साथ में बीजेपी के लिए भी। तो ऐसे में इंतजार हो रहा था कि लिस्ट कब जारी की जाएगी। अब उपचुनाव में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें और ये जो मुकाबला है उपचुनाव का, वो सबसे ज्यादा सपा वर्सेस बीजेपी माना जा रहा है, क्योंकि फील्डिंग हो गई है, उम्मीदवार सामने आ गए। हमारे साथ लखनऊ से विपिन चौबे भी जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ दिल्ली से आमोद राज जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। सबसे पहले आमोद जी, आपके पास मैं आ रही हूं। ये जो नामों का ऐलान किया गया, क्योंकि काफी इंतजार के बाद, काफी मंथन के बाद बीजेपी के भीतर ये नाम ऐलान हुए हैं, किन समीकरणों को साधकर या उसके आधार पर इन नामों को सामने रखा गया? ये नाम कौन कौन से हैं और इसके पीछे अंकगणित क्या है? देखिए, आज बीजेपी को जो 10 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी करनी थी, उसमें 9 उम्मीदवारों के नामों की सूची आज जारी हो गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ों को, जिन चीज़ों पर ध्यान रखा गया है, विनिबिलिटी, जीत के लिए जो जरूरी है, वहाँ कास्ट समीकरण में जो फिट बैठता है उसको टिकट दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि करहल से जो धर्मेंद्र यादव, सपा के एक वरिष्ठ नेता है, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उनके बहनोई को दिया गया है टिकट करहल से, अनुजेश यादव को। और इसके अलावा जो भी मैं आपको बताऊं, रामवीर सिंह को टिकट दिया गया है कुंदरकी से, वो भी एक मजबूत नेता है, 2-3 बार एमएलए रहे हुए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है, जो बताने लायक बात है, वो ये है कि इसमें जो लगातार निषाद पार्टी की तरफ से मांग किया जा रहा था 2 सीटों को लेकर, मझुआ को लेकर लगातार वो मांग कर रहे थे, वो सीट उनको नहीं दिया है बीजेपी ने। और बीजेपी ने उनको समझाने में सफलता पाई है कि इस बार चुनाव आप न लड़े। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी को आगे जो विधान परिषद की सीट है उसमें से 1 सीट दिए जाने की संभावना है, उस पर चर्चा हुई है, उस पर उनको मना लिया गया है। लेकिन विधानसभा में अब निषाद पार्टी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और बीजेपी को प्रचार करने में, उसके चुनाव को जिताने में वो भी मदद करेगी। तो उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों को लेकर काफ़ी दिन से इंतजार चल रहा था, उसमें से 9 को आज सूची जारी कर दिया गया है। 1 सीट और बाकी रह गई है, उसको भी बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। जी, बड़ी बात बता रहे हैं आमोद। लखनऊ से विपिन चौबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, आपके पास आऊं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर की है आज, और ये तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने लिखा है, हमने ठाना है संविधान बचाना है। ये देखिए तस्वीर, राहुल गांधी का हाथ पकड़े हुए अखिलेश यादव ने फोटो शेयर की है और इसमें कैप्शन लिखा गया है, अखिलेश यादव ने लिखा है, हमने ठाना है संविधान बचाना है। ये महत्वपूर्ण तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर जारी की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। आज ही बीजेपी ने लिस्ट जारी की उपचुनाव में कैंडिडेट की और आज ही ये तस्वीर भी सामने आई है। तो अब सीधा सीधा मुकाबला है उपचुनाव में, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, लेकिन कांग्रेस का जबरदस्त समर्थन है। और विपिन के पास चलते हैं। विपिन, सबसे बड़ी नजर जो थी वो मैनपुरी की करहल सीट को लेकर थी, समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है ये। अब यहां से मुकाबला तेज प्रताप यादव वर्सेस अनुजेश यादव है। देखिए, परिवार वर्सेस परिवार, और जो कहे कि अखिलेश यादव की चचेरी बहन के हस्बैंड अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अनुजेश यादव पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और इससे पहले समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले वो अपना नाता समाजवादी पार्टी से तोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। और एक बार फिर से, क्योंकि बीजेपी जानती है इस बात को, करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, करहल में अगर हराना है तो कुछ एक्स फैक्टर देना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसा चेहरा जो अपने आप में यादव परिवार को, समाजवादी परिवार को परेशान कर सके।
अनुजेश यादव वो मादा रखते थे कि वो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम फैमिली से आते हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन के हस्बैंड हैं, पति हैं वो, और धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं। ऐसे में उन पर भरोसा जता है। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं, उन सीटों के बारे में भी जान लेना जरूरी है। जैसे गाजियाबाद से संजीव शर्मा को उतारा गया है, पहली बार चुनावी मैदान में है, महानगर अध्यक्ष है गाजियाबाद से, पिछले 6 सालों से पुराने कार्यकर्ता, उन पर भरोसा पार्टी ने जताया है। इसके अलावा अगर आप रामवीर ठाकुर की बात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, पिछले 2-3 बार एमएलए का चुनाव लड़े हैं, लेकिन आज तक जीत हासिल नहीं हुई है। एक बार फिर से अपने कार्यकर्ता पर इन्होंने भरोसा जताया है। इसके अलावा फूलपुर से दीपक पटेल की आप बात करेंगे, तो पूर्व बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल के ये बेटे हैं। अलीगढ़ की खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर सिंह, जो कि पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। इसके अलावा मझवा से सुष्मिता मौर्य, जो कि बीजेपी की एमएलए रही हैं, 2022 में इनको टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि मझवा सीट निषाद पार्टी के कोटे में चली गई थी, लिहाजा इस बार निषाद पार्टी के कोटे से वो सीट वापस ली गई है और अपनी पुरानी लीडर सुष्मिता मौर्य पर भरोसा जताया गया है। वहीं कटहरी से जो धर्मराज निषाद है, वो मूलतः बीएसपी से आए हैं, 3 बार बीएसपी के एमएलए रहे हैं, बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं और 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी में आए थे। 2022 में टिकट नहीं मिला इनको और लेकिन इस बार बीजेपी ने इनको मौका दिया है। तो मिला जुला कर कास्ट इक्वेशन देखिए, पटेल बिरादरी से, इसके अलावा निषाद बिरादरी से, मौर्य बिरादरी से, ब्राह्मण ठाकुर, सबको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और इसी कोशिश के मद्देनजर ये 9 में से जिन 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। सीसामऊ और मीरापुर, क्योंकि एक जो मीरापुर सीट है वो आरएलडी के कोटे में गई है, जबकि सीसामऊ जो है कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग सांसद इरफान सोलंकी थे जिन्हें सजा हो गई थी, उसके बाद वो सीट खाली हुई थी, उस पर नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उस सीट पर बीजेपी को नामों की घोषणा करना अभी बाकी है। तो मिला जुला कर 10 में से 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं मिल्कीपुर को छेड़कर, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, 2 सीटों पर और करना है, जिसमें 1 सीट पर आरएलडी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी को सीसामऊ सीट पर करना है। और बीजेपी ने कास्ट इक्वेशन को बहुत बेहतर तरीके से साधा है यहां पर। बड़ी बात, बड़ी जानकारी दे रहे हैं विपिन चौबे। कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखकर कैंडिडेट्स का नाम घोषित किया गया है और जिसमें जो सीटें बहुत महत्वपूर्ण है उसमें करहल है, खैर सीट है, कुंदरकी है, इसके अलावा मझवा सीट है। ये कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर मुकाबला विपिन बहुत ज्यादा दिलचस्प है, और अखिलेश ने जब राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर की तो और इंटरेस्टिंग बना दिया इस लड़ाई को। यूपी में अब यूपी में समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है इस मैदान में। कि आप देखिए कि एक लंबी अरसे से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की अटकलें लग रही थी और दोनों तरफ से यह बयान, ये फिलर दिया जा रहा था कि हम इंडिया गठबंधन को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस ताकत का अंदाजा इन दोनों दलों को इस बार के लोकसभा चुनाव में हुआ था और उपचुनाव में भी यही कोशिश रहेगी कि दोनों का मोटिव एक है, जीत का मोटिव नहीं है, मोटिव यह है कि बीजेपी को हराना है, दोनों का दुश्मन एक है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने, चूंकि बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, 30 से ज्यादा सांसद है उत्तर प्रदेश में, 100 से ज्यादा एमएलए है उसके, तो वो अपनी ताकत को जानती है, अपनी ताकत का उसको गुरूर भी है, और इसी गुरूर के चलते उसने बिना गठबंधन के ऐलान से पहले अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा की, फिर एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। और बात अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को 2 सीटें दी गई, लेकिन कांग्रेस इन दोनों सीटों पर कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि अलीगढ़ की जो खैर सीट है वो पिछले 4 दशक से कांग्रेस नहीं जीती है, गाजियाबाद 20 साल से नहीं जीती है। ऐसे में कांग्रेस ये बात जानती थी कि अगर हम लड़ेंगे तो हारना हमारा तय है और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। इसीलिए कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच लंबी चर्चा हुई है और चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि इन दोनों इन 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव होगा। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन ने इस बार जो बैटन पकड़ाया विपिन, बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात जो आप बता रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव पर पूरा दारोमदार है, क्योंकि यूपी के उपचुनाव हैं और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य माना जाता है पूरे देश में, यहां पर सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल भी समाजवादी पार्टी है, इसलिए अब देखना होगा कि इन उपचुनावों में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए, आमोद आपका भी धन्यवाद। सेबी चीफ माधवी बुट से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है, पीएसी की बैठक में नहीं आई सेबी चीफ माधवी बुट, केसी वेणुगोपाल का आरोप है, मीटिंग के लिए इंतजार करते रहे पीएसी के सदस्य लेकिन माधवी बुच नहीं पहुंची। माधवी बुच ने 9:30 बजे बताया था नहीं आ पाऊंगी, सेबी के रिव्यू पर मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद ये वेणुगोपाल की तरफ से आरोप लगाया गया। पीएसी हेड केसी वेणुगोपाल मीटिंग स्थगित करके निकल गए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं।
और केसी वेणुगोपाल पर रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। पीएससी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, अपने मन से मुद्दा कैसे तय कर लिया, सेबी रिव्यू का विषय चुनने पर सवाल उठाए हैं। सीएजी ने सेबी में कोई गड़बड़ी नहीं बताई है, पीएससी हेड के रवैये पर स्पीकर से शिकायत। फिनांस कमेटी करती है सेबी का, रिजर्व बैंक का, आईटी कमेटी के चेयरमैन निशिकांत जी हैं वो करते हैं ट्राई का, तो हर इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी फिनांस करती है, तो हर स्टैंडिंग कमेटी उस विभाग से संबंधित रेगुलेटरी बॉडीज का रिव्यू करती है। अब आपने अपने से, इनका शब्द है सुओ मोटे डिसाइडेड, कैसे डिसाइड किया आपने? पीएससी का काम है सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करना। हमें एक बात और जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से जो आपको हम बताना चाहते हैं, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सेबी के ऊपर कोई पैराग्राफ नहीं दिया है। तो फिर क्या है ये पूरा कंडक्ट? बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है ये पूरा कंडक्ट, बहुत ही पीड़ादायक है और हम सारे मेंबर्स बहुत दुखित हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये लड़ाई बहुत बड़ी होती जा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुद्दा अपने आप कैसे डिसाइड कर लिया, जो कि सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये मुद्दा कैसे अलग हो गया? वहीं केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि माधवी बुच पहुंची क्यों नहीं जब उन्हें आना था। तो बिल्कुल, जो माधवी बुच है, जो सीबी की चीफ है, वो हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद वो घिरी हुई है तमाम विवादों में, तो ऐसे में पीएससी ने उनको आज बुलाया था कमेटी के सामने पेश होने के लिए, लेकिन आज सुबह 9:30 उनकी तरफ से कमेटी को ये बताया गया कि वो व्यक्तिगत कारणों से कमेटी के सामने पेश नहीं हो सकती है, जिसको लेकर आज पीएससी की बैठक में हंगामा हुआ, जिसके बाद जो केसी वेणुगोपाल है जो पीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने इस बैठक को स्थगित कर दिया, कहा कि आगे जब बैठक होगी जब माधवी बुच आएगी। लेकिन पीएससी चेयरमैन के इस रवैये से जो एनडीए के तमाम सांसद थे वो भड़क गए, वो नाराज हो गए। वो कहे, उनका ये आरोप था कि पीएससी जो है वो सेबी चीफ को कॉल ही नहीं कर सकती है, और पीएससी चेयरमैन की शिकायत करने के लिए अभी 13 जो एनडीए के सांसद है जो कि पीएससी के सदस्य है वो भी लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे हैं, और उनका ये कहना है कि पीएससी के चेयरमैन को कमेटी के सामने बुलाकर चेयरमैन केसी वेणुगोपाल की मंशा देश का जो वित्तीय ढांचा है और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं अस्थिर करने का प्रयास है। हालांकि वो नहीं चाहती है कि माधवी बुच कमेटी के सामने पेश हो, क्योंकि बार बार तर्क दिया जा रहा है बीजेपी के सांसदों की तरफ से, एनडीए के सांसदों की तरफ से, क्योंकि कमेटी के पास अधिकार ही नहीं है। और इसी संबंध में निशिकांत दुबे जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले लोकसभा के स्पीकर को खत भी लिखा था कि माधवी बुच जो कि सीएजी के चीफ है उनको कमेटी के सामने बुलाने का अधिकार पीएससी चेयरमैन के पास नहीं है। अभी फिलहाल जो एनडीए के तमाम सांसद है जो कि इस कमेटी के सदस्य है वो सभी लोकसभा स्पीकर से संसद भवन में मुलाकात कर रहे हैं और चेयरमैन की शिकायत कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद ये जानकारी देने के लिए। तो अब आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, बड़ा आरोप कि सेबी चीफ क्यों मीटिंग में नहीं आई जब ये तय था कि उन्हें मीटिंग में आना है। तो बीजेपी पूछ रही है मुद्दा अपने आप कैसे बदल लिया गया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओडिशा में दाना तूफान की दहशत की। दाना तूफान से सबसे ज्यादा खतरा धामरा पोर्ट को है। धामरा पोर्ट जो हमारे सामने में देख रहे हैं, कल बताया वो 1.5 मीटर पानी आ जाएगा, आज बोला वो ज्यादा पानी हो जाएगा ना। तो दाना तूफान का साया है और इस वक्त 5 राज्य डर के साये में हैं। आपको बता दें अलर्ट जारी किया गया है, ओडिशा के तट से टकरा सकता है आज दाना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दाना तूफान को लेकर 5 राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है। बंगाल, ओडिशा में एनडीआरएफ की 55 टीमें तैनात की गई हैं। आंध्र प्रदेश में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। और दाना तूफान के बारे में आपको बताते हैं, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना फिलहाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के तट की ओर आगे बढ़ रहा है। आज सुबह ओडिशा के भद्रक में बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये तूफान आज देर रात करीब 2 बजे बताया जा रहा है भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड कर सकता है, यानी यहाँ पर आ सकता है। तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर है, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है या आशंका है कि जो तटों से टकराएगा और सबसे ज्यादा असर इन्हीं इलाकों पर देखने को मिलेगा। और आइए अब आपको बताते हैं
कि दाना तूफान को लेकर कैसे दहशत मची हुई है। जी हां, आज से 26 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा खतरा है दाना तूफान का। 5 से ज्यादा राज्यों में इस वक्त अलर्ट है, जिसमें ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी भी इसमें शामिल है। वहीं ओडिशा में सबसे ज्यादा खतरा है। ओडिशा में 150 और पश्चिम बंगाल में 198 ट्रेनें रद्द की गई हैं। एहतियातन स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बंगाल के कई जिलों में इस वक्त अलर्ट है। ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा 2023 की शुरुआती परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। तो एहतियातन एक बड़ा संकेत मिल रहा है, दाना तूफान का असर देखने को मिल सकता है, खतरा बड़ा है, इसलिए बड़ी चीजें की जा रही हैं, प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। और ओडिशा में इस वक्त तूफान का कितना असर है, टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा इलाके में मौजूद है। यह वही जगह है जहां बताया जा रहा है कि लैंडफॉल हो सकता है। लैंडफॉल की आधिकारिक सूचना की अगर बात करें तो 24 से 25 तारीख की रात, मतलब 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का वक्त है, लेकिन जिस हिसाब से हवाओं का रुख है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लैंडफॉल पहले भी हो सकता है। पूरा प्रोसेस अगर हम बताएं 4.5 घंटे का प्रोसेस है, जिसमें तेज हवाओं के साथ साथ बड़ी तेज बारिश भी होती है। बारिश यहाँ पे हल्की फुल्की शुरू हो चुकी है और मेरे सामने में अथाह समंदर है। उस समंदर में ऊंची ऊंची लहरों ने अपना, एक तरीके से कह सकते हैं कि, रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। जितने भी जहाज हैं सबको यहाँ से हटा दिया गया है और आम लोगों को इस पूरे इलाके से खाली करवा दिया गया है। उनको ये बोला गया है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो तब तक यहाँ पे ना आए। कई सारे यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को क्या हिदायत दी गई है इस समंदर में? कल दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक, 12:30 से 3 बजे तक भारी बारिश हुआ। ऐसा हुआ कि जैसे साइक्लोन आ गया, लेकिन अभी तक साइक्लोन आया नहीं। वो साइक्लोन से पहले वो बारिश था। अच्छा। लेकिन साइक्लोन अभी आया नहीं। अभी जो हम लोग को, आपको भी विंड स्पीड जो दिखाई दे रहा है वो 60 है, वो 60 के बीच है। हाँ, लेकिन वो प्रशासनिक तरफ से ऑफिशियली बताया गया कि 120 रहेगा। अच्छा, तो 120 रहेगा, लेकिन उस समय तो यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं। हाँ जी, जैसे हम लोग 10 साइक्लोन एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कोई भी साइक्लोन धामरा को हिट नहीं किया है। पहली बार एक्सपीरियंस होगा जैसे धामरा को हिट करेगा। हम लोग को डर है इसलिए कि पानी जो आएगा कितने ऊपर आएगा उसका कोई जानकारी नहीं है अभी। उसका तो देखिए वो सब नेचुरल है, तो आप तो अंदाज लगा नहीं सकते। पानी आएगा, लेकिन पानी कितने ऊंचा आएगा वो तो आप अंदाज नहीं लगा सकते। कल से लेकर आज तक पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो थोड़ा ऊपर हुआ है और वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से कई सारे लोग इस जगह आ भी रहे हैं, देखने के लिए भी आ रहे हैं। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति में टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पानी का लेवल बढ़ रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ कुमार कुंदन, धामरा, भद्रक, उड़ीसा। तो कुमार कुंदन की आप रिपोर्ट देख रहे थे। कुमार कुंदन भी हमारे साथ हैं, रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ बंगाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुमार कुंदन, आप ही के पास मैं आ रही हूँ। मौसम विभाग इस वक्त क्या चेता रहा है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे थे कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है पिछले कुछ अंतराल में, तो ऐसे में क्या कुछ बताया जा रहा है, कब तक तटों से टकरा सकता है ये तूफान? लेकिन प्री पॉन होने की बात है और प्री पॉन कितनी जल्दी होता है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक का था, अब बता रहे हैं कि आज शाम को 8 बजे तक भी टकरा सकता है। तो शुरू के 4 और बाकी के 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस वक्त मैं धामरा पोर्ट में खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं ने रुख कर लिया है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में, मतलब अगले से 2 से 3 घंटे बाद से ही स्थिति बेकाबू होने वाली है और समंदर में तेज़ लहरें आ रही हैं। जो अगर दो घंटे पहले की मैं बात बताऊं तो यहाँ पे आराम से आप खड़े हो सकते थे, लेकिन अब खड़े होने तक का जो है यहाँ पे स्थिति नहीं है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ निकल बह रही है और विंड स्पीड जो है बढ़कर तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के आसपास तक हो गया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे लैंडफॉल का टाइम आएगा विंड स्पीड बढ़ता जाएगा और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लैंडफॉल जब हिट करेगा तो पोर्ट के आसपास एक बहुत बड़ी एक नुकसान की बात हो रही है। इसलिए जो छोटे छोटे घर हैं, आप देखिए मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि ये सब छतें वगैरह सब उड़ना शुरू हो गए हैं
और ये जो कच्चे मकान है खास करके उन मकानों की बात बता रहा हूँ कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। जो पक्के मकान है सिर्फ उन्हीं में लोगों को रहने की इजाज़त दी गई है। तो ये स्थिति उड़ीसा की है और टीवी 9 भारत पर भद्रक में उस जगह पे हावड़ापुर से मौजूद है जहाँ पे कि लैंडफॉल की बात हो रही है और तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश की वजह से सब कुछ यहाँ पे अस्त व्यस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सब लोगों ने डेरा डाला हुआ है, लेकिन इंतजार लैंडफॉल के टकराने के बाद की स्थिति से निपटने का है। पहले सिर्फ और सिर्फ इवैक्यूएशन कराया जा रहा है। जो तस्वीर सामने की आपको नजर आ रही होगी निधि, समंदर में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई हैं और काफी तेज लहरें उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये लहरें अभी और तेज होंगी जैसे जैसे लैंडफॉल का वक्त पास आएगा। तो टीवी 9 भारत बस आपको उस जगह से दिखा रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि स्थिति धीरे धीरे कैसे बेकाबू होती जा रही है। निधि, बिल्कुल हालात हम समझ सकते हैं। कुमार, बहुत ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कई लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है, लोगों को तटीय इलाकों से इवैक्यूएट कराया गया है, जैसे कि कुमार अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे। और हम चलेंगे रविशंकर दत्ता के पास जो कि बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, पश्चिम बंगाल में क्या हालात बताए जा रहे हैं, एहतियातन क्या कदम उठाए गए हैं और कितना अलर्ट है, कितने जिलों में अलर्ट जारी हुआ है, कहाँ कहाँ इसका असर देखने को मिल सकता है दाना तूफान का? देखिए, दीघा में अभी जो स्थिति बना हुआ है, धीरे धीरे जो पानी का जो लहरें हैं वो आगे आ रहा है, तट की तरफ आ रहा है। ये जो बीच है जो कि कंक्रीट का है उसके तरफ आ रहा है, इसका मतलब अभी हाई टाइड्स का टाइम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जैसे समय बीतता जाएगा आप देख सकते हैं पानी कहाँ तक आ रही है, जैसे टाइम बीतता जाएगा ये लहरें और भी ऊपर आ जाएंगे। तेज़ हवा चलना शुरू हो चुका है जो कि सुबह से चल रहे थे वैसे, लेकिन बारिश अभी थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन चिंता का कारण यह है कि दाना जो साइक्लोन है इनका स्पीड जो घंटे में 120-130 बताया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अप्रोचिंग जो स्पीड है या तो ओवरकम जो स्पीड है जैसे कि एनडीआरएफ की तरफ से भी बताया जा रहा था वो बहुत कम है, और इसके लिए दहशत ज़्यादा मच सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दीघा के जो पुलिस है, दीघा मोहना जो है उसके जो पुलिसेज हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, लोगों को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा अभिजीत को थोड़ा दिखाने के लिए, ये जो रास्ता है पूरा मोहना तक जाते ही ये रास्ता को पूरा खाली कर दिया गया है। धीरे धीरे बारिश यहाँ पे हो रही है और कोई भी लोग अगर ये वो मीडिया से नहीं है या तो पुलिस से नहीं है उनको यहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है। एनडीआरएफ से मैं बात कर रहा था, एनडीआरएफ को हर तरीके से वो सामान दिया गया है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, लोगों को यहाँ से जो जगह है रामनगर वहाँ पे लोगों को जगह से खाली कर दिया गया है, रेस्क्यू सेंटर्स में वो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है उनके पास सैटेलाइट फ़ोन दिया गया है ताकि अगर कहीं पे कम्युनिकेशन टूट जाती है तो वो वहाँ पे लोगों के साथ बात करवा सके या तो बातचीत करवा सके। बारिश फिर से शुरू हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप देखिए यहाँ पे पूरा जो समुंदर के जहाँ तक आप देख सकते हैं आपको धुंधला ही दिखाई देगा, इसका कारण समुंदर पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है जो कि धीरे धीरे तटीय इलाके पे आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जितने सारे ट्रेन से सियालदह से उनको अभी रद्द कर दिया गया है कल तक, और फ्लाइट ऑपरेशंस में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और जितने सारे दीघा स्टेशंस या तो फिर सियालदह स्टेशन जितने सारे स्टेशन हैं उनको वहाँ पे ट्रेन को सारे लॉक एंड की कर दिया गया है। हालांकि ये पारादीप या तो फिर धामरा पोर्ट के आसपास जैसे कुमार कंदन जी बता रहे थे वहाँ पे इसका लैंडफॉल हो सकता है क्योंकि लेकिन दीघा ने इतने बड़े बड़े साइक्लोन्स देखे हैं, आम्फान, आयला, यश, हुदहुद, बुलबुल, तो दीघा एक दहशत जो मेमोरी है उनका वो बहुत ही खतरनाक एक मेमोरी है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा बरती गई है ताकि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है तो एनडीआरएफ या तो प्रशासन यहाँ पे लोकल के जो प्रशासन है वो जल्द से जल्द व्यवस्था ले सके। बड़ी जानकारी रवि शंकर दत्ता इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं पश्चिम बंगाल के दीघा से, यहाँ पे ये तटीय इलाका है। और एक और हमारी बड़ी टीम मौजूद है भद्रक में, ओडिशा के भद्रक में, जहाँ कुमार कुंदन है और वहाँ पर भी तटीय इलाका है। हर स्थिति के बताने के लिए इस वक्त दोनों सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आऊँगी कुमार कुंदन आपके पास। रविशंकर दत्ता, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित जगह पर रहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि 17 टीमें पश्चिम बंगाल में लगाई गई हैं एनडीआरएफ की।
एक और बड़ी जानकारी जो ओडिशा से सामने आ रही है, ओडिशा के 14 जिलों में दाना को लेकर रेड अलर्ट है। 14 जिले ऐसे हैं जो कि हाई रेड अलर्ट है, इस जोन में आते हैं। ओडिशा के स्कूल कॉलेजेस की 25 अक्टूबर तक छुट्टी कर दी गई है। ओडिशा के पुरी से 3000 पर्यटक वापस भेज दिए गए हैं। तो एहतियातन बड़े कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि तूफान दाना से निपटने के लिए ओडिशा में क्या कुछ इंतजाम किए गए, अभी क्या स्थिति है और इंतजाम क्या बढ़ते जा रहे हैं। दाना से जो दहशत है, ओडिशा में तैयारी की बात कर रहे हैं हम। 288 राहत टीमें तैनात की गई हैं, इसके अलावा 178 फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात की गई हैं हर परिस्थिति से निपटने के लिए। 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं, 10 लाख लोगों की शिफ्टिंग चल रही है, 550 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रेलवे पर भी बहुत असर पड़ा है। 14 जिलों में रेड अलर्ट है, 25 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। इन इलाकों में 3000 पर्यटक पूरी से वापस भेज दिए गए हैं क्योंकि पर्यटकों को भी खतरा है और जो पर्यटक वहां घूमने आए थे उन्हें वापस भेजा गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, होटल बुकिंग्स कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है, तटीय इलाकों को खाली करवा दिया गया है। तो ये चक्रवात का डर है, चक्रवात की दहशत है जिसकी वजह से एहतियातन ये बड़े कदम उठाए गए हैं। कुमार, बड़ी तैयारी है ओडिशा में इस तूफान से निपटने की, ऐसा लगता है कि नुकसान ज्यादा होगा। देखिए निश्चित रूप से, देखिए अगर हम उड़ीसा की बात करें तो 1999 से लेकर 2024 तक समय समय पर बड़े तूफान आते रहे हैं। यहाँ पे अम्फान हो, पानी हो, कई सारे ऐसे तूफान हैं जिसमें कि लोगों ने एक बड़ा ही जान माल का नुकसान एक्सपीरियंस किया है। 260 किलोमीटर 270 किलोमीटर की रफ्तार से भी यहाँ पे चक्रवाती तूफान आ चुका है। ऐसी स्थिति में ये जो तैयारियाँ हैं वो तैयारी यह बताती है कि पुराने अनुभव के आधार पर सरकार ने ये तैयारी की है। एहतियातन कोलकाता एयरपोर्ट को भी आज शाम में 8 बजे से लेकर कल सुबह के 5 बजे तक बंद रखने की हिदायत दी है कि अगर कोई बड़ा तूफान आता है तो उस तरीके से एयरपोर्ट को भी बंद करने की हिदायत दी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक तस्वीर में भी, हमारे ठीक सामने में, मैं अभी से 2 घंटे पहले इस जगह पे था तो पानी का लेवल कुछ और था और हम आगे जाके बकायदा बात कर रहे थे, लोगों से वॉक थ्रू कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि 2 घंटे में ही वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पे गाड़ियों को पीछे करना पड़ा है और धीरे धीरे ये पानी बढ़ता जा रहा है। जो हवाओं की रफ्तार है वो भी बहुत तेज़ हो रही है और खड़े होना मुश्किल हो रहा है। तो ये बता रहा है कि जिस प्री पॉन्ड की हम बात कर रहे थे, जैसा कि बताया गया था कि रात में 12 बजे से सुबह 5 बजे तक हो सकता है, लेकिन 3 से 4 घंटे पहले भी प्रीपोन्ड हो सकता है जी। तो 8 बजे जो लैंडफॉल की बात की जा रही थी, ऐसा लग रहा है कि संभव है कि लैंडफॉल पहले भी हो सकता है। और जिसकी यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से हवाएं चल रही हैं, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, ये लैंडफॉल के पहले का एक तरीके से कह सकते हैं कि सूचक है जिसके आधार पर ये सब कुछ हम बता रहे हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से कम्युनिटी किचन और तमाम तरह की चीज़ें कर रहा है और लोगों को घरों से निकालने की अंतिम प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो इंतज़ार अब से 6 से 7 घंटे जो है वो बहुत ही क्रूशियल है निधि इस इलाके के लिए, क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहीं पे लैंडफॉल होना है और उसके बाद की जो स्थिति होगी क्या होती है यह देखना दिलचस्प होगा। और सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं अब लोगों के लिए भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डर का साया है, दहशत है। और जैसा कि कुमार कुंदन बता रहे हैं कि जिस जगह पर वो मौजूद हैं वहीं लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल का मतलब यहीं पर तूफान की दस्तक होगी। और बताया जा रहा है प्रीपोन भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है, रात 2 बजे तक बताया जा रहा था इससे पहले आज रात, लेकिन अब इससे प्रीपोन भी हो सकता है। हमारे साथ रवि मौजूद है, रविशंकर दत्ता धीघा से है, पश्चिम बंगाल से। एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर दाना तूफान को कवर कर रही है कि इस वक्त कहां पर स्थिति है। अब आपको मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियां सामने आई हैं उसके आधार पर दिखाते हैं कि अनुमानित रूट क्या है, कहां कहां से गुजरेगा ये दाना तूफान और दहशत कितनी है। तैयारियां तो हम आपको बता ही रहे हैं लेकिन कहां कहां से गुजरेगा ये देखिए, ये मैप है और आप देख रहे हैं दक्षिण का इलाका। उसके अलावा आप जब यहां से देख रहे हैं, ये धामरा पोर्ट है और ये धामरा पोर्ट से भीतर कनिका नेशनल पार्क है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भंवर बन रहा है और यही एक चक्रवात तूफान का बन रहा है। ये बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है और यहीं पर ही ये तूफान आकर दस्तक देगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को क्या स्थिति थी, 21 अक्टूबर को, फिर 23 अक्टूबर को क्या स्थिति हुई। 21 अक्टूबर को देखिए यहाँ था बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद 23 अक्टूबर को इस जगह पर था, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस जगह पर था। इसके अलावा फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ जाकर टकराएगा, जो कि कुमार कुंदन बता रहे हैं प्रीपोन्ड हो सकता है। ये खतरनाक स्थिति है, तटीय इलाके ओडिशा के बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं
और सेंसिटिव जोन में है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहां से ही टकराएगा दाना तूफान। और यही वो जगह है जहां से हम आपको बता रहे हैं, जिसे भीतरकनिका नेशनल पार्क कहा जा रहा है और धामरा पोर्ट है, इसी के बीच में ये इलाका आता है जहां पर हिट करेगा, लैंडफॉल होगा दाना तूफान का। और आपको बता दें कि ओडिशा के तटीय इलाके खाली कराए गए हैं, एहतियातन बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है। आज रात तट से टकरा सकता है तूफान दाना। इवैक्यूएशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनकी नावें हैं और वो लोग यहाँ पे खड़े हैं अपनी अपनी नावों को सुरक्षित देखने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि ठीक इसके सामने समंदर है और उस पार सब कुछ हो रहा है या सब कुछ होने की गुंजाइश है। तो जो आम लोग हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की क्या स्थिति है? लग रहा है क्योंकि बड़ा तूफान आने वाला है, तैयारी वगैरह सब पूरी है? जी सर, जी जी, बड़ा तूफान आने वाला है, 24-25 को न्यूज दे रहा है। हाँ, आने वाला है, इसीलिए पूरा हम लोग सतर्क गए। अच्छा, बाहर से चला गया है घर लोग। अच्छा, सब लोग बाहर चले गए? जी सर। तो एक लोग सिर्फ रह गए हैं घर के, मतलब कोई भी मुखिया रह गए? कोई नहीं है। अच्छा, घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो आप लोग सिर्फ अपने बंदरगाह पे नावों की सुरक्षा के लिए हैं या? हाँ, सुरक्षा के लिए है, पास में है, 2-3 किलोमीटर पास का है। सरकार ने जो तमाम उपाय किए हैं वो काफी है या आपको लगता है और भी सुविधा की जरूरत है? और सुविधा की जरूरत है, थोड़ा काफी नहीं है। शहर में बिजली वगैरह अभी आ रही है? काट दिया बिजली वगैरह? कल से नहीं है, कल से काट दिया गया है। अच्छा, और पानी वगैरह की सुविधा? पानी वगैरह सब सुविधा है। अच्छा, पानी है, बिजली कट गई है। तो लोग डरे हुए हैं। और इस बीच जानकारी दे दें, दाना तूफान को लेकर एक्शन में ओडिशा के सीएम है मोहन मांझी। ओडिशा में सीएम मोहन मांझी ने तैयारियों की समीक्षा की है, जिला कलेक्टर्स राहत और बचाव कार्य के उनको निर्देश दिए गए हैं, चक्रवात प्रभावित इलाकों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापन का आदेश दिया गया है। तो एक्शन में नजर आ रहे हैं ओडिशा के सीएम। आपको बता दें कि दाना से निपटने की पूरी तैयारी है, कि अगर तट से टकराता है तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना बड़ी चुनौती है। सीएम मोहन चरण मांझी ने समीक्षा बैठक की है दाना तूफान से निपटने के लिए। दाना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया है, पूरा मुआयना किया गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या तैयारियां हैं। बैठक में उच्च अधिकारियों भी मौजूद रहे, उच्च अधिकारी भी, उनसे जानकारी ली गई है। सीएम ने जनता से न घबराने की अपील भी की है, साथ ही सुरक्षित और सतर्क रहें ये भी कहा गया है। सीएम मोहन मांझी की तरफ से 90% लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। तो कुमार कुंदन के पास एक बार फिर से रुक करेंगे, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां लैंडफॉल होगा या दाना तूफान की दस्तक होगी। कुमार, अगर एहतियात के तौर पर देखें तो मोहन मांझी की तरफ से, सीएम की तरफ से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि 90% लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, क्या वाकई है? आप देख पा रहे हैं तैयारियां? निश्चित रूप से, मैं आपको एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा अगर पैन करने की वो स्थिति में है तो, जरा सा एक बार उधर से दिखाएं, जो तटीय इलाके के पूरे इलाके उसको खाली कर लिया गया, पहली बात। दूसरी बात कि जो आगमन की चीज़ें हैं, जैसे कि कल भी हमने देखा अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने बाकायदा यहाँ पे एक मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसके माध्यम से लगभग 200 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। पूरे इलाके में आवागमन को बंद कर दिया गया है, कोई कहीं आ नहीं रहा है, कोई कहीं जा नहीं रहा है। अगले 24 घंटे तक निधि सब कुछ स्टैंड स्टिल है, मतलब कि आप घर से निकल नहीं सकते हैं। और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, पहले ही लोगों को बोल दिया गया था कि आप 5 दिन पहले से मुनादी हो रही है। लोग बाकायदा प्रशासन समंदर के अंदर जाके मछुआरों को वापस ला रहा है कि किसी भी तरीके से आप, हम जहाँ पे खड़े हैं इसके ठीक पीछे एक जंगल का एरिया दिख रहा होगा और उसके पीछे जो जगह है वहीं पे बताया जा रहा है कि लैंडफॉल होगा। तो बिल्कुल पास खड़े हैं और यह जानने की कोशिश है कि किस तरीके से रफ्तार और तमाम तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, सब के सब लगे हुए हैं कि तूफान को हम बेशक ना रोक सकते हो, लेकिन तूफान से होने वाले नुकसान की भरपाई जितनी जल्दी हो इसकी तमाम कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि लोगों को इवैक्यूएट करने से लेकर और तमाम तरह की राहत की चीज़ों को लाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। एहतियात के तौर पर यहाँ पे अडानी पोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है और वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ से सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, जो बहुत ज़रूरी है उन्हीं को वहाँ से छोड़ा गया है। तो ये पूरी कवायद, पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तूफान के खतरे को भांपते हुए लोगों को नुकसान न हो और उसके ध्यान में रखते हुए, मैं फिर कह रहा हूँ, वाटर लेवल जो बढ़ रहा है उसकी तस्वीर आपको दिख रही होगी, सब कुछ यहाँ से हटा लिया गया है। और सुबह की बात करें, अभी से 2-3 घंटे पहले
जहां पे आपको नाव दिख रही है वहां के आसपास हम लोग खड़े थे, और अब 2 से 3 घंटे में वाटर लेवल इतना आगे आ गया है कि तकरीबन 20 से 25 मीटर पानी जो है बढ़ गया है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और बता रहे हैं कि जैसे जैसे लैंडफॉल होगा वैसे वैसे और भी ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। निधि बिल्कुल, कुमार कुंदन हर एक अपडेट इस वक्त ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। कुमार अपना बहुत ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपडेट बताते रहिए कि इस वक्त दाना तूफान की जो दस्तक है वो किस तरह से ओडिशा में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इसके अलावा रविशंकर दत्ता भी हमें पश्चिम बंगाल से लगातार रिपोर्ट बता रहे थे, वहां से अपडेट दे रहे थे। ऊंची ऊंची लहरें वहां पर भी उठ रही है। रवि आप भी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, दाना तूफान की दहशत है और एक एक अपडेट हमारे दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सेंटर पर बड़ा खुलासा हुआ है, एबटाबाद में बना लश्कर जैश का ट्रेनिंग सेंटर। जी हां, ये बड़ा खुलासा है, एबटाबाद में ही पाकिस्तान ने लादेन को रखा था। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाउद्दीन ने सेंटर बनाया हुआ है यहां पर बाकायदा। आतंकी सेंटर के पास ही पाकिस्तान आर्मी का बेस कैंप भी मौजूद है। तो पाकिस्तान आर्मी क्या शह दे रही है ऐसे आतंकी संगठनों को एबटाबाद में? और आपको बता दें कि आतंकी ओसामा बिन लादेन जहां मारा गया था वो एबटाबाद था, पाकिस्तान में वहां सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। ये बड़ा खुलासा है, पाकिस्तान ने एबटाबाद में लादेन को रखा हुआ था। अब टेरर का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है एबटाबाद। जी हां, ये आतंकी सेंटर है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल ने अपना ठिकाना यहां पर बना रखा है। हाफिज, मसूद, सलाउद्दीन जैसे जो आतंकी हैं, खूंखार आतंकी, उनका जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर यहां पर चल रहा है। एबटाबाद सेंटर में जिहादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग सेंटर के पास है पाकिस्तानी सेना का बेस कैंप भी, जो सबसे ज्यादा चौंकाता है। आईएसआई जनरल की निगरानी में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जो खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। जितेंद्र, ये खुलासा बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है, बहुत चौंकाता है कि जहां पर अमेरिका ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा था वहीं पर ही एक सेंटर बना दिया गया, टेरर सेंटर जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जी बिल्कुल, देखिए इस अलर्ट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि किस तरीके से हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाउद्दीन ये तीनों एक जॉइंट आतंकी कारखाना चला रहे हैं एबटाबाद में। एबटाबाद में ठीक उसी जगह जहां पर बकायदा पाकिस्तानी आर्मी का कैंप है, और खास बात ये कि पाकिस्तानी आर्मी की इजाजत के बिना इस कैंप के अंदर, इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये पूरा जो आतंकी कैंप इस वक्त एबटाबाद में चल रहा है उस पर पूरा कंट्रोल पाकिस्तान की आर्मी का है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। बाकायदा आतंकियों को तैयार किया गया एबटाबाद में ताकि घुसपैठ कर उन्हें हिंदुस्तान में भेजा जा सके। जी, बहुत बड़ा और खतरनाक खुलासा है जो कि जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि जिस एबटाबाद में कार्रवाई की थी अमेरिका ने, ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था, वहीं पर ही इतना बड़ा टेरर सेंटर, आतंकी सेंटर बना दिया गया जिसमें जो खूंखार आतंकवादी हैं वो इस सेंटर को चलाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, विधानसभा चुनावों में केजरीवाल इंडिया के लिए प्रचार करेंगे। झारखंड में इंडिया के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल, महाराष्ट्र में केजरीवाल महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के लिए भी प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल।